सैनिका को भामाशाह की सूरवीरा की पावन धरती झुंझुनू जिलो और बी जिला में मातृशक्ति को सम्मान। अपनी मातृशक्ति राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित भी है, वो आपनों सौभाग्य है। शिक्षा का क्षेत्र में सर्वाधिक राजकीय सेवा में जगह की बेटिया है वो आपनों झुंझुनू जिलो है। और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आम सबका चेहरा पर मुस्कान हसी ठहाका अंतर्मन की संवेदना आ सब पावन पलाने आनंदित करवा के लिए वो अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन और इमा आप सब वह लोग में सामने लगभग लोगा ने जानू वह सब लोग विराजमान है जो अपना आप में एक संस्था है। सैकड़ा हजारा लोगों को प्रतिनिधित्व आप करो हो। बहन रीटा चौधरी जी हमारे बीच, ये जो बेटियां इस कवि सम्मेलन को सुन रही है उनके लिए ये सीखने की बात है कि विदेश में उच्चतम शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की, एमबीए की डिग्री, मल्टीनेशनल कंपनी में आज वो बहुत बड़े पैकेज पर काम कर सकती थी, पर अपने पिताश्री के संस्कार को और उनको परंपराओं को ध्वजवाहक के रूप में उन्होंने जनसेवा को चुना और हमारे बीच है। विश्व में पर्यटन के लिए जाने जाने वाली धरती मंडावा की विधायक बहन रीटा चौधरी जी, हम अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मान कैसे झुंझुनू करता है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उन्हें बताएं। हृदय से आभार आपका बहन। और आदरणीय विप्लव नोला जी जैसे अधिकारी हर जिले को मिले, हर राज्य सरकार को मिले, ये बहुत वर्षों से भाई जैसे मित्र हैं, इनकी कार्यशैली देखता हूँ। बहुत सारी बातें हम उसमें भी करेंगे, सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हो, आमजन ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो। पर मुख्य उद्देश्य ये 1.5-2 साल ऐसा गुजरा है जीवन में किसी ने सोचा नहीं था कि जीवन यूं थम जाएगा, उस दौर के बाद एकत्रित रूप से आज ये आनंद के पल हमें मिले हैं, उन पलों को जीते हैं। लगातार मेहमान आते जा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या की आशा नहीं की थी। लोग पिछले 2 वर्षों में मानसिक रूप से बहुत परेशान हुए हैं, आजीविका छुट्टी है बहुत लोगों की, तनाव रहे हैं, सब बड़ो संकट को वह मारे बता रहा। परमेश्वर जी बोले बोले यार एक मोटियार के इससे बड़ी पीड़ा क्यों है, वो सरकार लॉकडाउन लगा दे और एक मोटियार 3 मनाता ही एक ही लुगाई को 24 घंटा बुलो देख रहे फिर भी जी रहे है, तो बा संकट सा आपा निकले हा। तो इसलिए मानसिक रूप से आशी आनंद का पल अपन लगातार मिला है, अत्ता लगातार श्रोता आता जा रहा है, गेट में से जठे सब यहाँ सीरी सिर दिख रहा है, वो तो बढ़िया है। विप्लव जी भाई साहब साथ में कोई स्वामणी को प्रोग्राम ढूंढ रहा जो नहीं तो दाल में कई बारी गर्म पानी देना पड़ता मथान बता। आनंद का बहुत पावन पल है, समय की सीमा है, लगभग 2 घंटे का ये कवि सम्मेलन है, प्रशासनिक ये कवि सम्मेलन अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है, प्रति मिनट का हम अधिकतम लाभ लें इस पावन भाव के साथ। ये विप्लव जी नोला के कार्यशैली की देश भर में ख्याति है कि ये महनीय कवि, इनको थोड़ा सा उस बारे में बताया और बहुत बड़े बजट बहुत बड़े लिफाफे उन बहुत सारी व्यवस्थाओं को जीने वाले लोग प्रेम अपनत्व के नाते आज झुंझुनू में है हमारे बीच। आदरणीय श्री सुरेंद्र यादवेंद्र जी लगभग 40 वर्षों से देश और विदेशों में जहां जहां हिंदी बोली सुनी समझी जाती है, हसी ठाकुर जी रचनाओं के लिए एक शिखर नाम आज झुंझुनू जिले में हमारे बीच है। झुंझुनू अपने मेहमान का स्वागत कैसे करता है एक बार जोरदार तालियों से हमने बताए। सुरेंद्र जी भाई साहब हमारे तो यहाँ एक कहावत है कि घरा आयो और मां जायो बराबर हो, कि वो एक परिवार का अंग होता है, उस अपनत्व भरे वातावरण में हम ये सब पावन पल जी रहे हैं। इन आप देख रहे हैं उधर प्रथम रूप कवि के रूप में आदरणीय गोविंद राठी जी इंदौर मध्य प्रदेश से एक लंबी यात्रा कर हमारे बीच आए हैं। कल इनका बेंगलोर कवि सम्मेलन है, सुबह 6 बजे जल्दी जयपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे। पर ये प्यार अपनत्व है, हास्य व्यंग के जो एक वर्तमान दौर में जो मौजूद हमारे व्यंगकार हैं, अगर देश के 5 व्यंगकारों का इस 140 करोड़ के हिंदुस्तान में 5 व्यंगकारों का नाम लिखा जाए तो उन 5 में से एक नाम गोविंद राठी जी आज आपके बीच है, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। आदरणीय डॉक्टर सपना सोनी जी आगरा की रहने वाली हैं, राजस्थान में 2 साल इनका ससुराल है, बेटियों की कविताओं के लिए कई पुरस्कार इनके खाते में होते हैं, कई प्रेम के श्रेष्ठ मुक्तकों के लिए राधा कृष्ण के प्रेम की भावनाओं के गीतों के लिए देश दुनिया में जानी जाती है,
आज झुंझुनू की धरा पर महिला अधिकारिता विभाग में महिला के रूप में एकमात्र कवियत्री आप विराजमान हैं। आपकी विशेष तालियां सपना सोनी जी तक पहुंचे। भाई विवेक पारिक जोधपुर आईआईटी करने के बाद उच्च शिक्षा में वो मुकाम इन्होंने हासिल किए, कई बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में देश के आने वाले आरएएस आईएएस को मनोविज्ञान इन्होंने पढ़ाया, टेक्निकल नॉलेज इन्होंने दिया और आज हिंदुस्तान में शिक्षा जगत में यूट्यूब पर जिनको लाखों स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, देशभक्ति की कविताओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाने वाले सर्वाधिक युवा चर्चित कवि हैं। न्यूज नेशन और तमाम टीवी चैनलों पर लगातार आप उनकी डिबेट वगैरह देखते रहते हैं। यस, मैं इनको मैं आपकी ओर से बताना चाहता हूं कि आपको देशभक्ति की कविता हिंदुस्तान के हर राज्य में आप सुनाते होंगे, पर उनकी जो पृष्ठभूमि है, जहां के लिए वो कविताएं बनी है, जहां वो जी जाती है, वो सुनाने का सर्वाधिक आनंद आपको यहां आएगा। अभी हाल ही में हमारे सीडीएस साहब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे बीच नहीं रहे, उनके साथ जो भारतीय सेना के वीर गुजरे, मैंने कविता लिखी कि हमारे घरडाना ने देखा, देखा है घरडाना ने तिरंगे में लिपट के घर आना। वो वीरेंद्र हमारे कुलदीप राव जी की पावन शहादत को हम प्रणाम करते हैं। मैं भी देश विदेश में जहां कवि सम्मेलनों में जाना होता है, बहुत गर्व के साथ ये बताता हूं कि मैं हिंदुस्तान के राजस्थान के उस झुंझुनू जिले से आया हूं। कारगिल युद्ध में जब पूरे हिंदुस्तान ने 498 शहीद दिए, तो हम झुंझुनू के लोगों को इस बात का गर्व है, गुमान है, दम्भ है, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है कि उन 498 शहीदों में से 284 लाल झुंझुनू की माओं ने न्योछावर की है। उस पर आज आप उनकी देशभक्ति से रची बसी कविताएं सुनेंगे और हमारे बीच हमारे झुंझुनू जिले के जनसंपर्क अधिकारी हमारे पीआरओ साहब आत्मीय भाई हिमांशु जी, ये भी बहुत अच्छा लेखन करते हैं, मन की संवेदनाओं को उकेरते हैं और इनसे हमने निवेदन किया कि प्रशासन का ये कार्यक्रम पूरे झुंझुनू जिले भर के बुद्धिजीवी लोग वहां पर, तो एक आपकी कविता से भी जनता जनार्दन रूबरू हो, और उन्होंने सहज व्यस्तताओं के बीच वो निवेदन स्वीकारा। एक बार आपके प्यार की तालियां हिमांशु जी तक भी पहुंचे। और हमारे महनीय अतिथियों में आदरणीय साधु राम जी जाट साहब, हमारे एसडीएम साहब हमारे बीच विराजमान हैं, उनकी पावन उपस्थिति को हृदय से प्रणाम करते हैं, वो बहुत बहुत आपका आभार। श्री सुरेंद्र जी देगड़ा हमारे कोतवाली इंसान, पहले वो हमारे नवलगढ़ भी रहे हैं, अब भी पछे जिलो पकड़े हुए, अब जयपुर पकड़ेगा, फेरियां करता करता 10-5 साल में कोई इंग्लैंड अमेरिका तो नहीं मिलेगा। मैं बताऊं बहुत कर्मठ पुलिस अधिकारी है, एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी देगड़ा साहब तक पहुंचे। श्री गोपाल जी ढाका एडिशनल एसपी झुंझुनू हमारे बीच, इन सब को मैं महिला अधिकारिता विभाग आदरणीय श्री विप्लव जी न्योला की ये सारी बेटियां, ये महिलाएं, ये मात्र शक्तियां, इनसे निवेदन की पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन सम्मान आपने इनका किया। और चार पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं कि आपने बुलाया वीरता के पर्याय झुंझुनू जिले के द्वार, आपका एहसान मानते हैं। आपने बुलाया महिला अधिकारिता विभाग के द्वार, आपका एहसान मानते हैं। और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहां विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगपानी। आनंद की इस यात्रा को शुरू करते हैं। हंसी ठहाका बहुत जरूरी है, वो कोविड है, वो भी आपने बहुत कुछ सिखायो। आप कल्पना को नहीं करी, यहाँ दुनिया रुक जाएगी के ट्रेन बंद हो जाएगी के अपना बूढ़ा बुजुर्ग कौन देखी, आ कौन देखी कि आपका घर से आपकी गली में बाहर निकले तो लठ भी पड़ सके, आ चीज भी आप पहली बार देखी। और आप आ भी देखी कि अपना पुलिस विभाग का जिका सब कर्मचारी है, दिन रात भी समय में एक अवांछित भय हर हृदय में व्याप्त हो कि वायरस के रूप में मृत्यु कठिन से भी जीवन दस्तक देश के है, बी टाइम 24 घंटा सेवा समर्पण के साथ भी लॉकडाउन ने सक्सेस करवायो। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी आपकी पहुंचे। विदेशों की तुलना में बहुत कम क्षति हुई, उसमें पुलिस विभाग का भी बहुत महत्ती योगदान है, चिकित्सा विभाग का बहुत महत्ती योगदान है। कोविड कई चीजें और सिखाई, मैं तुम बताऊं वो पहली बार 23 मार्च 20 में गर्भित का आज लोग साउथ
झुंझुनू जिला का लोग डेढ़ साल में मिला वो तो मैं बताऊं, वो पहली बार 23 मार्च 20 में लॉकडाउन लागू जहां मैं बहुत राजी होया। 3-4 साल से कया के जीवन में यात्रा लिखड़ी रहे, मारी स्थिति आओ जी की आज है यहाँ काल सूरत परशु गुवाहाटी, अब काल भी 29 तारीख को मेरे हैदराबाद है तो 1 बजे की फ्लाइट है, नींद पूरी हो नहीं है सारी चीजा। मैं सोचो यार चलो 15 दिन आपा भी टाबरी में पग पसार सोचा गहरा रेशा, फिर 15 दिन और बढ़ियो जना मेरे मन में गादड़ो बनियो जी यार आगे रामनवमी तेर जगह कार्यक्रम लेट है कदे बाणिया साई पाछी ने मांग ले। तीसरी बार बढ़ियो ना जना मैं सोचो हे भगवान हो तो कोई द्रौपदी को चीर यही को ओड़ो ही को नहीं भाई, हो तो के हिसाब किताब है तो जी है भी आयो। अब शहर में आदमी के करे सारे दिन कमरा में पड़े रू मोबाइल पर यूट्यूब पर कविता देख बो करू इं तो वह घर वाली भला करती बामी है लाण मुंडा से तो मन वह चूही को निकले पर वह आती जाती जा मन इन तरह से देखती कि अब वो भी टाबरी पाड़ते शीख जीव ने बो जी हो। एक दिन तो बोली बोली हे भगवान आ बीमारी कच्चा सी मेरे समझ में को नहीं आई, वह कोरोना ने खेरी है संकट बहुत रही मैं थानू कोविड बहुत चीजा सिखाई। एक अपने हमारे चाव रहे तो मैं 5-6 दिन या लगातार होली पर कवि सम्मेलन में बारे रहता आज ई जगार काल भी जार परसों आगे यात्रा आ जाए या रह तो जी यार रात ना होटल में पड़िया पड़िया के घर याद आतो गांव गली टाबर याद आता जी घर चला यार है सलट गया जना जना 5-6 दिन से आपने मिडिल क्लास आदमी ने तो जीवन में बाकू जिको मौको मिले वो ले ही लेना चाहिए क्योंकि आपने पग पग पर संघर्ष है, आपा बहुत संघर्ष में जीवन जीवा। मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब लोग, कौन कौन समझ रहे हैं एक बार हाथ खड़े होकर बता दो तो मेरे लैंग्वेज चूज करवा मैं वो सही समझो बहुत ठीक समझो ही थे भी कौन सा इंग्लैंड से आया है मैं मत चेक ही करो मैं तो लॉकडाउन में पढ़ो पढ़ो फ्रेंच भी सीखी हूं थोड़ी बहुत नहीं समझो तो देखो तो बस वो बड़ा संकट है आपने मिडिल क्लास आदमी का। देखो फिल्मों में बॉलीवुड में कितनी सुंदर सुंदर नायिका अरे दिखावे मिडिल क्लास आदमी जाने बाप रो आपका जी की अपन तो घराली भी मिले बापी अड़की अड़की मुंह छारी मिले बताई है बड़ा संकट है आपने। मैं 5-7 दिन यार रह तो यार घर चला टाबरी में चला फिर 5-6 दिन शाम की घर पूछ तो रोटी पानी खा 5 मिनट घराली ने प्रेम से ध्यान से देख ले तो वह मुछा पर ध्यान जाता ही घर में भाईचारा किसी फिल्म का वाला थाने सियावे ये लॉकडाउन में 3-3 महीना ब्यूटी पार्लर बंद रिया जना मेरे तो ज्ञान हो चेतो हो रहेगी कि मुछा तो आपड़ो में बड़ी है खाना अच्छी उपज रही है मेरा कादड़ो बड़गो जी बापू जी करके एक पाती और होती थी जो बड़ोड़ो भाई तो अब कैसे लिखो तो बा संकटा का दौर में आपा जीवन में जी रहा इलिया अच्छी आनंद भरपूर आपने जीनी चाहे लॉकडाउन बहुत चीजा सिखाई गोविंद जी भाई साहब अरे एक तो नई बात बताऊं आप भी महसूस करी हो तो एक आपा ने लॉकडाउन आ सिखाई मन तो विशेष कर मैं पहली बार इतना लंबा समय तक घर में रही हो कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि बेचारी खाली बैठी है मैं दो बात कर लूंगा तो इसका मन बहल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता हो भरी बैठी हो। ताड़िया बता रही है भाई जी एक सारी गुजरिया बहुत चीजा बहुत मधान बताओ लॉकडाउन बहुत कुछ सिखाया। मैं टीवी में सीरियल कदे ही कौन देखा, अब मैं यहाँ कवि सम्मेलन में शाम की 6-7 बजे रत्ती माता बहनों कत्ती बैठी है अब थाने बैठी देखूं तो थारा त्याग और बलिदान ने प्रणाम करवा को मेरो मन करे। थे शाम के टाइम थे अगर कड़े जारी हो तो थे जीवन में बड़ो त्याग कर कर आ रही हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है को त्याग कर रही हो, अनुपमा को त्याग थे कर रही हो, रक्षाबंधन को त्याग थे कर रही हो। मैं तो थाने बताऊं मैं 2-3 दिन में टीवी सीरियल देखा ना, मैं एक दिन घर वाली ने बतायो मैं इस सीरियल में अब वैसा बेसी खतरनाक है घर फुड़ाऊ है बा बोली जी राम थे आज वो सीरियल पहली बारी तो देखा थे 3 मिनट में थाने किया मेरे बटको ना देखो कल्याण ने भगवान ऑब्जर्वेशन पावर तो दे है ना। मैं बोले ऐसा भी सीरियल है मैं 3 दिन से आने देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा आकू जी को मेकअप आर्टिस्ट है ऑब्जर्वेशन थार तक कौन सा तो बतायो। मैं जता भी सीरियल है आकू जी को मेकअप आर्टिस्ट है भी को मैसेज तो बहुत सीधो सरल पाक साफ है जी की लुगाई के माथा पर जत्ती बड़ी बिंदी वह बत्ती खतरनाक है ताड़िया तो धारी सोची पर आस में आसे पासे बैठी लुगाई का माथा देखो जी तो गोदी में हो जाएगा। तो अपन नहीं कहना है सारी बातों में थोड़ा मेला छेड़ा में वातावरण तो मेहमान कवि आया ने थोड़ा सो व्यवस्थित सो कवि सम्मेलन मनार देवा के लिए कर रही हूँ। एक संचालक महोदय बहुत सुंदर संचालन कर रहा भाई साहब गड़ गया बहुत बहुत आभार। एक भाई जी दोनों झूला रस अगर रिक्वेस्ट कर लो
कि कमाणो तो सदाई है, आज घंटाक पर अगर ए भी रुक कर एको आनंद लेवे तो थोड़ो सो और सुंदर कवि सम्मेलन जन जी। हाँ जी, और आ कव्या से भी मेरो निवेदन है जी, एको घंटा पर में जो नुकसान हो गए थे थोड़ो थोड़ो मिल रहा सहयोग करो तो पाप नहीं लागे को ठन। हाँ जिका जिका आनंद का पहले लॉकडाउन बहुत चीज सिखायो, एक सिंसियर बादशाह बहुत प्रबुद्ध लोग झुंझुनू जिला का, एक आ सिखाई कि मैं आपने बताऊं कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो जी वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। और अगली पंक्ति कवि की, हरीश हिंदुस्तानी की संवेदना महिला अधिकारिता विभाग के कवि सम्मेलन में आपको झकझोरे तो फिर आपकी तालियां हमें कवि सम्मेलन शुभारंभ करने की आज्ञा दे। आए दिन हम अखबारों में टीवी चैनल में पढ़ते हैं दो वर्ष की बेटी के साथ दुराचार, 8 वर्ष की बालिका के साथ, ये तो मन सुन्न भी हो जाता है और इतना पीड़ित भी होता है कि हम विश्व गुरु हिंदुस्तान के लोग कितने पतित होते जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। घर परिवार के रिश्ते, मामा नाना ताऊ फूफा जी, इनसे बेटियां सुरक्षित नहीं है। दो पंक्तियां आपकी संवेदना तक पहुंचे, आपकी पीड़ा भी हमारे जैसी हो तो फिर बताइएगा कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। और इस दौर में छोटी बेटियों की खामोशी को उनके बालपन की झिझक मत समझो, हो सकता है वो किसी से डरी बैठी। तो इन संवेदनाओं को हम जिएंगे और इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं। प्रथम कवि को आपके बीच आवाज देता हूं। एक पावन परंपरा है कि हर व्यक्ति में बुद्धि विवेक माँ शारदे की कृपा से होता है, वही माँ हमें जीवन में संस्कार देती है, श्रेष्ठ करना सिखाती है, मानवता जीना सिखाती है। जैसे कि महिला अधिकारिता विभाग झुंझुनू, आदरणीय विप्लव जी नोला और इनके साथियों को मैं आपकी ओर से इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 12-13 वर्षों से इसी जिले में एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, हर चीज को महसूस करता हूँ। आज के 13 साल पहले हमारे जिले में जनसंख्या लिंगानुपात था वो 1000 लड़कों पर 824 बेटियां थी। आज 13 साल बाद महिला अधिकारिता विभाग और हर व्यक्ति के पावन प्रयासों से हम पूरे राजस्थान में नीचे से 33वें नंबर पर थे, आज लिंगा अनुपात में 1000 लड़कों पर 1064 बेटियां झुंझुनू में है, हम नंबर 1 पर हैं। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार इस विभाग को इसलिए मिला है। खेल भी कहेगा लेरा ने 20 साल में अति कम रही ना, तो अत्तो काल पड़गो ना तो 63 बेसी हो ये में राजी मनाओ, आल तो बेटिंग में 15 साल आ रहा है, पाका कोई गेला गल जाएगा पछा हो रहा का गलबो शुरू हो। अत्ता अखंड कुआरा है आपने कुछ ही मना मार तो वो गली में सुभाष 38 साल को होएगो, बिना विप्लव जी भाई साहब 10 साल में 40 साल छोड़े आ रहा देखगा अपन देख ही जाए पलटर मड़ा हाना को जवाब ही कौन दे। वो सुभाष को 12-15 दिन पहले अभी गली में निकासी बा बनोरी को डीजे बाजियो ना, वो सुभाष को बाप बैठे ही खाई दियो, बोलो देख रहे सुभाष आज गली में किका बाजा बाजे है। सुभाष भी बापड़ो 8-10 साल से भरियो बैठो, बोलो जी जिका का माँ बाप समझदार है बाका बाजे। मन में तो भाई आई सोच रहे हो जिका का नहीं समझ रहे बाका बाजा के संखी बाजता। पीड़ा बहुत है आपने, हाँ अखंड कुंवरा जी जिकी पीड़ा है वो सारो लिंगा अनुपात सुधरेगो ऐसा चीजों से ही आगे बैठेगो। और एक ही मेरे एक बात और याद आज मैं इस पर भी रिसर्च करो आदरणीय विधायिका महोदया कि आपने आप बेटा का सगाई क्यों नहीं हो रही है, इन क्या है क्या बेटियां तो लाना घर को काम करती करती चौका चूल्हा को भी एमए बीएड पढ़ जाए ऐसा क्या, आप बेटा का 10वीं पछा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही है नया ओपन हो जाए भी पछा एक एक क्लास में 3-3 साल ले, अब कुल बेटी को बाप आपकी बेटी से कम पढ़ेड़ो जवाई ढूंढे, वो मारे गली में ही बा एमएससी बीएड करेड़ी भाई कोई शानो आदमी मैंने झुंझुनू को बतायो कि बोलो जी अड्डे तो कोई बैठो को बड़े लखनऊ में वो एक जनो रेलवे में लाजेड़ो है वो एमएससी बीएड पीएचडी है वो अपने भाई के बैठ सके, मैं भी शाड़ा आदमी को नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो थे विप्लव जी नोड़ा पर ही वेम करोगा मन। देख मा गया अभी टापर में 35 किलो बोझ लखनऊ देखो जना जना बोलिया जी थे एक बार रुको मैं आधी घंटा जा रहा हूँ फिर आगे संबंध की बात कर श्याम, वो सोचो आज कोई अड़े रिश्तेदारी होशी भाई तो एक आप अपने बारे में खोजबीन करते होंगे। ए दोनों बाजार गया 20 मिनट में पाछा यार हाथ में 20 किला 15 किला को देसी घी को पीपो वो छोरा के बाप का हाथ में दियो, बोलो जी थे दो एक मना थारा टाबर में खो प्याओ मैं 2-2.5 मना ना ओजू चक्कर देशा जब स्थिति देख रहा आगे बात कर वो मन में घुटो जी देख आठे घरा आकर भयंकर बेचती करीबो, बोलो मान लो साहब 2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़े तो अब विप्लव जी का जवाब को आनंद आ जाए तो थारी ताड़िया हाथ तक कुछ है
वो बोलो मान लो सर दो महीने में इस लड़के ने सदो पीपो डूबे तो आनंद का पल आपा लगातार जी रहा। और चार पंक्तियों के साथ सपना सोनी जी को माँ शारदे की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद भाई हिमांशु जी से एक सार्थक रचना हम सुनेंगे, उसके बाद गोविंद राठी जी, विवेक पारिक जी और सुरेंद्र यादवेंद्र जी की तो मुंबई में महानगरों में यादवेंद्र नाइट होती है, दो घंटे का अकेला इनका कवि सम्मेलन, इनका पूरा ग्रुप चलता है, आज उनको हम भरपूर सुनेंगे। एक इनसे मेरा निवेदन है कि पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान को बहुत शुद्ध गालियों में, जो हम घर परिवार में आपस में बैठ के सुन सकते हैं, हिंदी की गालियों में एक कविता एकमात्र इन्होंने लिखी है। मैंने 18 साल पहले वो पहली बार सुनी थी नववर्ष के कार्यक्रम में जयपुर दूरदर्शन में रात को टीवी पर। इनसे निवेदन है कि इनका मन हो तो झुंझुनू की देशभक्त जनता को हास्यमय देशभक्ति की वो कविता भी आप सुनाइएगा। और चार पंक्तियों के साथ सपना जी को आमंत्रित करते हैं। कहा है कि हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए, और सारे जग को तो हम कर लेंगे सम्मोहित, बस माँ शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ बहुत आभार आदरणीय हरीश जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अमृता हार्ट के अंतर्गत होने वाले इस कवि सम्मेलन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय हमारी विधायक महोदया की उपस्थिति को नमन करती हूँ और तमाम आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता मुझे सामने नजर आ रहे हैं, आप लोग की उपस्थिति है, इतनी बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और झूलों को भी देख रही हूँ, ऐसा माहौल बहुत, दो वर्षों बाद तो हमने भी हाथ दो वर्षों बाद ही देखा है, बहुत ही अच्छा सा हमें अनुभूति हो रही है, एहसास हो रहा है। आइए माँ शारदे की वंदना का मुझे आदेश हुआ है, मेरी बहनों की उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत ही मन से आप लोगों को कविता सुनाने का प्रयास करेंगे हम सभी, और कविता करना बहुत मुश्किल काम है लेकिन कविता सुनना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। आइए हम सभी आपस में मिलकर के इस मुश्किल काम को आसान बना लेते हैं। माँ शारदे की वंदना मन से कही गई है, जैसा कि घर में कोई शुभ कार्य हो या साहित्यिक कोई अनुष्ठान हो तो गणेश भगवान की वंदना होती है, माँ शारदे की वंदना होती है। माँ के चरणों में शब्द सुमन समर्पित करती हूँ, आप सबका सहयोग चाहती हूँ, समर्थन मिले आप सबका मन चाहती हूँ। शारदे वंदन है शत बार, शारदे वंदन है शत बार, हाथ जोड़ कर विनती करने आई तेरे द्वार, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शत बार, माँ तुखे वंदन है शत बार। सर्दियों का माहौल है मैं जानती हूँ, मौसम ऐसा है, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार शॉल से, स्वेटर से, अपने ब्लेजर से, पॉकेट से हाथ निकाल लीजिए, एक बार माँ के आह्वान के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं मन से सुना रही हूँ वंदना का एक और बंद आप सभी ये बहुत मन से सुन रहे हैं, और तालियों से हम भी माँ की इस दो मिनट की आरती में शामिल हो, ये पुण्य का लाभ हम भी ले। स्वागत। शारदे वंदन है शत बार, कह कह गे का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है, कह कह गे का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है, मेरे और के तम को हर कर, मेरे मन के तम को हर कर, फैला दो जियार। शारदे वंदन है शत बार, माँ तुहे वंदन है शत बार, तालियां उठे। शारदे वंदन है शत बार, बहुत आभार।